हेलो फ्रेंड्स, जॉब सर्ट धाम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में सितंबर माह के करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलते सीधे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया। हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया गया। 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस के अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी, शेयरिंग पीस टुगेदर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये सम्मेलन का उद्घाटन जो किया था वो रामनाथ कोविंद ने किया था। ये हमारे राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया? तो ये कोसी रेल मेगा ब्रिज जो है बिहार में बना है, कोसी नदी पर। ये 1.9 किलोमीटर है, जो निर्मली से रायगढ़ के बीच में बना हुआ है। इसके कारण 22 किलोमीटर की जो लंबाई थी वो 2 किलोमीटर में तब्दील हो गई है। बिहार की बात करें तो बिहार की कैपिटल है पटना। इसके सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर है इसके फागू चौहान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड ने किस राज्य को 5 करोड़ रुपये अनुदान दिया है? तो अनुदान जो दिए हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार को दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को क्यों दिए? तो 50 एम्बुलेंस खरीदने के लिए ये अनुदान दिया गया है। एनसीएल की बात करें, एनसीएल के एमडी शिव प्रभात सिन्हा हैं। वहीं ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ से याद रखना, ये गोमती नदी किनारे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इसके सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, ये मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो सारस क्रोच राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पुष्प उत्तर प्रदेश का पलाश है। वही राष्ट्रीय वृक्ष अशोक का है। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना प्रारंभ हुई है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला प्रथम राज्य भी उत्तर प्रदेश है। प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की है। आयुष कवच ऐप भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई है। उत्तर प्रदेश में एक मंडू आडी रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसके अलावा नवीन रोजगार योजना छतरी योजना ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। और एक बात, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। इसमें पूरा मनरेगा जो पूरे देश में चल रहा है उसमें 18% रोजगार केवल उत्तर प्रदेश द्वारा ही दिया गया है। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या अधिनियम में संशोधन किया गया है। हर्बल रोड प्रोजेक्ट भी उत्तर प्रदेश में चालू है। इसमें क्या है, जो रोड है इसके दोनों किनारे पर हर्बल पेड़ों की प्लांटेशन किया जाएगा। हर्बल पेड़ मतलब औषधि वाले पौधों की प्लांटेशन किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेशनल पार्क। इसके अलावा कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एलिजाबेथ केरकर की निधन हुआ, वे कौन थी? एलिजाबेथ केरकर जो थी इंटीरियर डिजाइनर है। मुंबई में जो ताज होटल है उसके इंटीरियर डिजाइन में इन्होंने भाग लिया था। तो एलिजाबेथ केरकर कौन है? इंटीरियर डिजाइनर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुपोषित बच्चों वाले परिवारों को गाय देने का फैसला किया? तो ये फैसला किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगर कोई परिवार गाय का पालन पोषण नहीं कर पाता है तो उसे पर डे 30 रुपये भी
देगी सरकार पालन पोषण करने के लिए। इसके अलावा बात करें तो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना भी उत्तर प्रदेश में चालू हुई है। इसके अंतर्गत जो धावा एथलेटिक्स है उनके घर से ग्राउंड तक के रोड को बनाया जाएगा। इसके अलावा बात करें, हाल ही में किस बैंक ने उभरते उद्यमी व्यवसाय नामक नया वर्टिकल स्थापित किया, तो ये उभरते उद्यमी व्यवसाय वर्टिकल जो स्थापित किया है वो किया है बंधन बैंक ने। बंधन बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में और इसके वर्तमान CEO कौन है, चंद्रशेखर घोष इसके वर्तमान CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेटर ने जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट अकादमी की स्थापना की है, तो ये घोषणा की है भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने। हाल ही में इन्होंने सभी फॉर्मेटों से संन्यास की घोषणा कर दी है। उनके साथ ही महेंद्र सिंह धोनी ने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। सुरेश रैना की बात करें तो 9stacks एक है गेमिंग प्लेटफॉर्म, उनके ब्रांड एम्बेसडर भी सुरेश रैना है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा दच्चीगाम नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को $250 मिलियन का सॉफ्ट लोन प्रदान किया है, तो ये इंडिया ने प्रदान किया मालदीव को। मालदीव इंडिया के साउथ में स्थित एक टापू आइलैंड है। इसकी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इसकी माले है, इसकी करेंसी है मालदीवियन रुपया और इनके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोड है। प्रेजेंट टाइम पे याद रखना कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा भारत और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल भी है, क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी किस शहर में स्थापित की जाएगी, तो योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी। हाल ही में NTRO के नए प्रमुख कौन बने, NTRO की बात करें, NTRO की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी हिंदी में फुल फॉर्म की बात करें तो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान। इनके प्रेजेंट टाइम पे इसके प्रमुख कौन है, तो अनिल धस्माना इसके प्रमुख हैं। ये रॉ के पहले थे, अभी फ़िलहाल में NTRO के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस वित्तीय संस्था ने BMRCL लाइन में $500 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की, BMRCL की बात करें तो BMRCL का फुल फॉर्म है बेंगलुरु मेट्रो रेलवे रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसकी जो घोषणा की है वो की है ADB ने इसकी घोषणा की है। ADB का फुल फॉर्म क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला जो फिलीपींस में स्थित है। प्रेजेंट टाइम पर इसके प्रेसिडेंट कौन है, मसास्कु अस्कबा, और इसके प्रेजेंट टाइम पे उपाध्यक्ष कौन है, अशोक लवासा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिच सॉल्यूशन ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है, तो ये अनुमान लगाया है -8.6% रहने का अनुमान लगाया है। रेटिंग की बात करें तो रेटिंग देती है, तो सभी इनको एक ही स्थान पर लिख लें आप, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे क्रिसल्स रेटिंग ने जो GDP का अनुमान लगाया वो -9% लगाया है,
S&P ग्लोबल रेटिंग ने भी -9% का अनुमान लगाया, वहीं केयर रेटिंग ने -8.2% रहने का अनुमान लगाया, और मूडीज रेटिंग जिसने 11.5 -11.5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ITF की ने किस कप का बदनाम बदलकर हाल ही में ITF का नाम बदलकर विली जॉन किंग का कप रखा है। हाल ही में ITF ने किस कप का नाम बदलकर विली जॉन किंग कप रखा है? तो ये रखा है, ITF की बात करें तो ITF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसने जो है फेड कप का नाम बदलकर किम जोंग किम विली जिन किंग कप रखा है। विली जिन किंग अमेरिका की एक धावक थी, हाल ही में इनका निधन हो गया तो उनकी स्मृति में इसका नाम फेड कप बदल उसका नाम बदलकर विली जॉन किंग कप रख दिया है। ITF की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1913 में, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, और इनके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेविड हगार्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान ने किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने का पूर्ण निर्णय लिया है? तो ये पूर्ण निर्णय का दर्जा देने का निर्णय जो लिया है वो लिया है गिलगित बाल्टिस्तान को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने का निर्णय लिया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। प्रेजेंट टाइम पर इसके प्रधानमंत्री है क्रिकेटर इमरान खान। प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी इसके प्रेसिडेंट हैं।